हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये काफ़ी दिनों बाद लेके आया हूँ। और ये वीडियो हमारी टीम के साथ है, जो फोटोग्राफर हैं हमारे प्रदीप भैया, जिन्होंने प्रोग्राम लिया था और हम गए थे। ये मेरी पहली प्री वेडिंग शूट था, तो प्रदीप भैया ने बोला कि अपन को प्री वेडिंग शूट पर जाना, तो हम तो बड़े खुश हुए कि हमको प्री वेडिंग करने का मौका अवसर मिला। तो हम निकल चले थे लोकेशन पर और कुछ लोकेशन इस प्रकार की थी। तो आइए आपको पूरा वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, ये हमारा पार्ट वन है और काफ़ी देखने को अच्छा लगेगा। और ये हमारे कपल्स और आज उनसे मिलने का वो तो इस वीडियो में आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि पूरा वीडियो कंप्लीट होकर तब जाकर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अभी हम निश्चित नहीं कह सकते कि हम मतलब यूट्यूब पर अपलोड करें। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो ये रहे हमारे कपल्स और दोनों की शुरुआत यहाँ से लिए थे हमने। ओके, तो कुछ ऐसा सीन था और ये मैं रिकॉर्ड सिर्फ मेरे मोबाइल से कर रहा था। वैसे बाय द वे हमारे पास 3-4 कैमरे थे, तो उसके बाद उधर सीन लेने के बाद हम इधर आए और इधर सोचने लगे थे कि कहाँ पर शूट करें, है ना। तो हमने प्लान हुआ, चलो ठीक है, कोई ना कोई सा लोकेशन ढूंढते हैं। कुछ स्पेस दे रहे थे, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था प्रदीप भैया को भी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब पार्टी बहुत अच्छी है। डायरेक्टर साहब जिन्होंने प्रोग्राम लिया था, हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप लिया था जो दोनों को वहाँ से उठा रहे थे, तो वो सीन तो नहीं लिया मैंने। वो वीडियो में अगर अपलोड करूँगा तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आशीष भैया, प्रदीप भैया, संजू भैया सिर्फ फोटो ले रहे थे। फाइनली अभी हम फिर से हमारा फोटोशूट हो रहा है भैया लोगों के साथ, और दूसरी लोकेशन पे निकलना है। और जो जो लोकेशन पे जाएंगे उसका वन पार्ट मतलब पार्ट टाइप बनाएंगे। वैसे यहाँ पे आए हैं तो एक पार्ट तो ये बनेगा हमारा, दूसरी लोकेशन पे जाएंगे तो वो दूसरा पार्ट हो जाएगा। डायरेक्टर साहब प्रदीप भैया, और कुछ ऐसा व्यू है। प्री वेडिंग के लिए जगह मस्त है, अच्छी है। और ये तो मेरा फोटो लाइन में आया है, 2 साल हो जाएंगे, मतलब पिछले साल आया था देन, और इतनी जल्द मैंने प्री वेडिंग पे भी आ गया हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। तो ये लोकेशन थी, ये पाताल पानी के साइड में एक लोकेशन आती है वहाँ की थी, मतलब थोड़ी सी घाटी के साइड में, तो वहाँ पे गए थे। काफ़ी अच्छा जगह है, अलग से अलग बना हुआ है जगह, और वहाँ पर कुछ इस प्रकार के बना दिए गए। तो यहाँ पर अधिकतर कपल्स लोग और प्री वेडिंग के लिए काफ़ी अधिक आते हैं, और इंदौर में अधिकतर यहाँ पे जाते रहते हैं। और यहाँ पे हम भी गए और अच्छे से शूट करने का प्रयास किया। हमारी प्रदीप भैया यानी हमारी टीमों ने अच्छे से क्लिप कट टू कट वीडियो बनाए, और उसके बाद तैयारी हो गई थी ड्रोन की, क्योंकि ड्रोन का शूट हमको लेना था। तो हमारे वीरेन भैया ने ड्रोन कर लिया था कम्प्लीट, तो उड़ाने की देरी थी और इसके बाद उड़ा दिया। तो हमको थोड़ा सा ऊपर जो कपल्स थे थोड़ा सा डांस कर रहे थे, उनका थोड़ा सा कट टू कट वीडियो ड्रोन से शूट किया गया था, जो गोल गोल घुमा रहे थे। उसके बाद हम आगे के लिए निकले कार से। अभी हमारे साथ प्रदीप भैया और हमारे के साथी जो आशीष भाई और वीरेन भैया और संजय भैया आगे गए हैं, तो आगे कुछ लोकेशन मिली हमको, तो आगे की लोकेशन का थोड़ा शूट लेते हैं। और वैसे हमको जाना था मांडव जाना था, तो वहाँ का कैंसर महेश्वर है, जामघाट है, जामगेट, तो वहाँ का सीन है, तो देखते हैं क्या कहाँ सीन रहता है। थोड़ा सा यहाँ का सीन देखते हैं क्या सीन रहता है। भाई साहब यहाँ का अमेजिंग व्यू, हम तो पहली बार आए इधर क्या। अच्छा, बाबा साथ है इधर, हमारे परमार साहब के साथ में, हमारे गुरु आदरणीय इधर आशीष जी के साथ में है, आशीष जी झाला, और हमारे वीरेन जी चौहान सर के साथ में, तो सब मिलकर ने आज एक प्रोग्राम का आयोजन करा हमने। अच्छा अच्छा, ड्रोन मास्टर नहीं हमारा भैया यार। लोकेशन तो काफी मस्त है, अमेजिंग है ना, ये ट्रेन का भी गुफा। अरे तो गाइस यहाँ पे ट्रेन की पटली दिखाई दी हमको, काफी अमेजिंग, बहुत ऐसा लगता है हम बहुत अलग जगह पे आ चुके हैं, क्यों भैया? यस बिल्कुल। अच्छा, काफी अद्भुत नजरिया, लोकेशन है और बहुत बेस्ट है। हाँ, ये तो अभी बंद हो गए, हालांकि पहले चलते थे बरसात के टाइम पे, चलते हैं ना, टाइम चलते हैं। हम्म,
तो हमने पैक कर लिया, अब दूसरी लोकेशन निकलते हैं। दूसरी लोकेशन महेश्वर। दूसरी लोकेशन के लिए निकल चले हम और जा रहे हैं हम महेश्वर। और मांडव का तो हमारा हुआ है कैंसिल। ओके, उधर भी जाना था लेकिन जाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे। और सबसे पहले बीच में आ रहा है जाम गेट, तो वहाँ का थोड़ा क्लिप क्लिप लेना है, शूट करना है। तो पहुँच चुके तो जाम गेट, सोचा कि यहाँ का थोड़ा सा शूट करते हैं, लेकिन हमारा प्लान चेंज होगा। यहाँ से प्लान इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि हमको निकलना था महेश्वर और जल्द जाना था क्योंकि शाम हो रहा है। सीन है बहुत शानदार, ये रहा जाम गेट और यहाँ से जाना हमको महेश्वर। तो हमने डिसीजन लिया कि महेश्वर से आने के बाद यहाँ का चीज कैप्चर करते हैं, तो वो अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि क्या हुआ। तो हम निकल चले थे आगे की ओर, जो साइड का एरिया देख रहे थे, खाई देख रहे थे, तो काफ़ी अच्छी देखने को नज़र आ रही थी और काफ़ी बेहतरीन सीन लग रहा था हमको। तो हम आगे गए थोड़ी दूर, मतलब कि जो घाट उतरे हम, तो उसके बाद हमको थोड़ा सा वीडियो और करना था, कार वाला शूट करना था। तो हम रुक गए तो पीछे से पहाड़ी काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी, बहुत ही शानदार। और इस घाटी के ऊपर एक माता का मंदिर है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे शूट किया और थोड़ा ड्रोन शूट भी लेना था, तो हमने वहाँ पे ड्रोन भी उड़ाए। और ड्रोन उड़ाए तो कुछ सीन ऐसा क्रिएट हुआ कि जो मंकी थे वो डरने लग गए थे कि ये क्या अजीब भला आ गए हमारे बीच में, जो कि हमको परेशान कर रही है। तो वो ये देख देख के इतने भाग रहे थे, इतने चिंतित थे कि भाई सब क्या होता है। हम देख रहे थे उनको और सीन क्रिएट किया और आगे की ओर निकल चले। तो हमारे सामने आया द्वार महेश्वर का। तो आपको दूसरे पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।